पे इस पहाड़ से हमें उस पहाड़ तक जाना पड़ेगा। कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से बहुत दिनों से हमारा कोई ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत से भाई लोग कमेंट भी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे, तो आज हम उन्हीं के लिए ब्लॉग लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ट्रिप होने वाला है वो होने वाला है उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत जगह छोटा कैलाश का। छोटा कैलाश दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन दोस्तों यार ऊपर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आज हमारा जो टीममेट है वो है हमारे एडिटर वरुंदा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको देखना है कि छोटा कैलाश कैसा है तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए फिर वरुंदा स्टार्ट करें। दोस्तों यार यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका हमारे साथ, आप देख सकते हो धीरे धीरे जो बारिश के जो बूंद है वो हमारे ऊपर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है गाड़ी चलाने में, लेकिन दोस्तों हमें जाना तो है छोटा कैलाश हर हालत में। आप लोग वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। दोस्तों यार आज के ट्रिप में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, चाहे भीग जाए चाहे नदी में बह जाए, लेकिन जाएंगे तो हम जरूर आज छोटा कैलाश। हल्द्वानी काठगोदाम पार कर चुके हैं और हमें छोटा कैलाश तक पहुंचने के लिए हमें भीमताल वाले रास्ते पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन यार दोस्तों मौसम की तरफ देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बारिश हो चुका है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों हम लोग तो जाएंगे हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों अभी हम लोग भीमताल वाले रास्ते पर आ चुके हैं, नैनीताल जाने वाले रास्ते को टाटा कर चुके हैं। अभी हम अब चलते हैं छोटा कैलाश की तरफ। दोस्तों अब हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक रहना, हम आपको पूरा संपूर्ण जानकारी देंगे छोटा कैलाश तक आने के लिए। जाने के लिए अमृतपुर वाले रास्ते पर जाना पड़ेगा। ये अमृतपुर वाला रास्ता आप देख सकते हो और इसी रास्ते से एकदम बिल्कुल सीधा चलते चलते जाना पड़ेगा जहाँ तक रास्ता जाए। तो यार हम लोग बस छोटा कैलाश पहुँचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें रास्ते में इतना सुंदर सा एक व्यू दिखा कि क्या बताए, हम आपको दिखा देते हैं। अब लोग देख सकते हो कि यह है छोटा कैलाश जाने का रास्ता। यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक राइट साइड में जाता है और एक छोटा कैलाश की तरफ जाता है। आप लोग देख सकते हो, देख सकते हो कि कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है यहाँ का, कितना शांत मौसम है। लेकिन यार अगर थोड़ा सा धूप होता ना तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता, एकदम बिल्कुल शांत माहौल। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं छोटा कैलाश, लेकिन अभी भी यहाँ से कम 5 किलोमीटर का हमें पैदल यात्रा करना पड़ेगा। उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर हमने गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी है और ये हमारे बॉडी गार्ड आप देख सकते हो। बस आप जब भी यहाँ पर आओ तो इनको कुछ खिला पिला देना, वरना आपको काट भी सकते हैं। और इधर है हमने दादी के पास गाड़ी वाड़ी पार्क किया, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर हमें। तो चलिए फिर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, देखते कितना टाइम लगता है ऊपर की तरफ चढ़ने में। देख सकते हो आप लोग हमारे जो बॉडी गार्ड है वो हमें खुद ही रास्ता दिखा दे रहे हैं ऊपर, है ना। और फिर आप देख सकते हो हमसे पहले पहले वही पहुंच जा रहे हैं। तो दोस्तों यार काफी ऊपर चढ़ाई करना पड़ रहा है, वरुंदा मजा आ रहा ना? मजा आ रहा है, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन है ये भैरव दिखा दे रहा है हमारा डेस्टिनेशन, हमें कुछ पता नहीं है। दोस्तों हम लोग रास्ता देख सकते हो कितना ऊपर चढ़ाई करना पड़ रहा है हमें, लेकिन दोस्तों बहुत मजा आ रहा है हमें चढ़ाई करने में, थकान का बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। अगर भगवान से मिलना है तो थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। दादी ऊपर है छोटा कैलाश, सवारी करा दो आप, सवारी करा दो। तो दोस्तों लोग सवारी भी कर सकते हो घोड़े के यहाँ पर, तो फिर नीचे क्या सवारी करते हैं हम भी। प्राइस क्या है, पैसे 800 रुपये नीचे से ऊपर तक। और कुछ कहना चाहोगे यहाँ के बारे में? यहाँ की मजे की जगह यहाँ, यहाँ दादी ना कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए शुरू से, तो कुत्ते वो जानते हैं ना, कोई भी लोग आए कुत्ते वो उनको पहुंचाते हैं वहाँ मंदिर तक, उनके बाद यहीं नीचे रोड तक छोड़ते हैं वो। अच्छा मतलब जो भी कोई आता है उसको नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं, फिर ऊपर से भी नीचे लेके जाते हैं। अब हम खड़ी चढ़ाई करने वाले हैं,
तो वरुणदा आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? हर हर महादेव। देवों के देव महादेव के आदि छोटा कैलाश धाम पधरने पर हार्दिक अभिनंदन। वरुणदा कहाँ रह गए हमारे वरुणदा? अरे वो अरे वरुणदा काफी थक चुके हैं वो, सहने वाले बुढ़े इंसान है हमारे वरुणदा यार, इतना कैसे थकते हो यार भैया? दोस्तों लेकिन आप लोग मत थकना, तो आप लोग देख सकते हो कि हमें अभी इस पहाड़ से हमें उस पहाड़ तक जाना पड़ेगा, काफ़ी ऊंचा है। आप भैरव तो हमें रास्ता दिखाई रहे हैं, तो चलिए पीछे पीछे चलते हैं। वहाँ मिलेंगे भोले, सब कहेंगे राम राम नाम सत्य। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं छोटा कैलाश। दोस्तों यार जिंदगी का मजा तो आज आया है, आप लोग देख सकते हो कितना ही खूबसूरत नजारा है भोलेनाथ का, यहाँ पर कितने सारे मंदिर है भोलेनाथ के। हर हर शंभो, हर शंभो। तो दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। हर हर महादेव। देख सकते हो कि ये हमारा छोटा कैलाश बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। और ये हमारे पंडित जी, ओम नमः शिवाय पंडित जी। तो आइए हम अभी पंडित जी से कुछ सवाल जवाब करते हैं मंदिर के बारे में। आपसे और थोड़ा सा सवाल पूछने जाते हैं, ये जो मंदिर है छोटा कैलाश ये कितना साल पुराना होगा? ये सतयुग का हुआ, जिस समय भगवान शिव जी प्रथम बार यहाँ पर आए थे। कहते हैं कि ब्रह्मचारी महाराज इनके मीन भक्त थे। सतयुग यानी कि कितने साल हो गए फिर? सतयुग पहले फर्स्ट सतयुग हुआ, उसके बाद द्वापर हुआ, फिर त्रेता युग हुआ, ये चौथा कलयुग हो गया। कलयुग के तो कम से कम 5000 साल हो गए। हाँ, तब से यहाँ पे ये स्थान हम देख रहे हैं। हम मेरे दादा परदादा उन लोगों ने ये स्थान देखा था, उन्होंने हमें ये चीजें बताई। हम इतने ज्ञानी नहीं है कि जो हम बता चुके हैं कि हमारे दादा पर दादा लोगों ने पहले यहाँ से ये चीज़ें सुन रखी है। जैसे यहाँ पे पहले पूजा करने केदारनाथ के पंडित जी आने वाले थे, तो अब यहाँ पे ये हमारे कुल को, जैसे हम पलड़िया कौम के हुए तो उनको वह पुजारी जी छोड़ गए, क्यों दूर हुआ उनका यहाँ आना, ये हुआ मीन। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि ये मंदिर फिर कितना पुराना, सतयुग आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पुराना मंदिर है। हम बस आपसे इतना कहना चाहेंगे आप यहाँ पर आओ, बिल्कुल आओ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो चलिए हम एक बार आपको पूरा व्यू दिखा देते हैं यहाँ का। नमस्ते पंडित जी, फिर हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय बोल। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये है पार्वती कुंड, जहाँ पर भोलेनाथ और माता पार्वती का चित्र है। दोस्तों तो ये है व्यू पॉइंट, यहाँ से जो दृश्य दिखता है ना बिल्कुल एकदम जन्नत जैसा है, जितनी भी तारीफ करो उतना कम है। सच में दोस्तों यार लग रहा है जैसे हम लोग कैलाश पे पहुँच गए। दोस्तों हम बादलों से भी ऊपर है। दोस्तों यार हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, वाकई में यार जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अब हम वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो वरुण आइए फिर, बाय बाय कर दो फिर। बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करना यार, आपको ये जगह कैसा लगा। बाय दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो यार वो लाल बटन दबा दो सब्सक्राइब वाला, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।